वेलकम बैक खवातीन रोज रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं और हुमैरा नाज की तरफ चलते हैं कि आज हमें वो क्या सिखा। अच्छा, आज मैं एक टैन स्किन जो हो जाती है, जैसे हम बहुत ज्यादा समंदर पे जाते हैं और स्किन बहुत ज्यादा टैन हो जाती है, धूप में निकलते हैं टैन हो जाती है। तो 5 मिनट में स्किन टैन होती है, इतनी धूप, क्योंकि धूप है ना। एक्चुअली देखिए, अभी मैंने वो चीज तो यहाँ नहीं रखी है, लेकिन ग्रीन टी का कावा बना के खाली वो आप अपना कहते हैं ना कि होम मेड आपका सन प्रोटेक्शन है, लगाना उसे नहीं, स्प्रे करके निकल जाए फेस पे। ग्रीन टी का कावा स्प्रे करके आप बाहर चले जाएं, या आपका जो है सनस्क्रीन प्रोटेक्शन है, आप जाए वो यूवी में हो या किसी में भी हो, रेज आपसे प्रोटेक्ट करेगा। सुने, गरम या ठंडा? ठंडा, ऑफ कोर्स। अब इसमें ना मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो बेसन लिया है, पिंच में इसमें हल्दी ले रही हूँ। ये सन टैन के लिए है, जो आप जब वहाँ समंदर पे जाते हैं ना, तो उसके लिए ये है, ये सन टैन के लिए बना रही हूँ। एंड देन इसके अंदर हम हाफ लेमन स्क्वीज करेंगे। अच्छा, ये लगाना है बाकायदा, ये देखें ये क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। ये आपने फेस पे लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और अपवर्ड मूवमेंट में लगाना है। लगाने के बाद जब ये 60% ड्राई हो जाए तो हाथों को गीला करके आपने खूब सारा मसाज करना है और इसको इसी तरह ये रिमूव होता चला जाएगा थोड़ी देर के बाद। ये 2-3 दिन करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दफ़ा करें, आप 2-3 दिन लगातार करते रहें, आपकी जो वो टैन स्किन है वो सही होना शुरू हो जाएगी, वापस अपनी पोजिशन में आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक क्रीम मैं बता रही हूँ जो कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रंग साफ हो जाए और आपकी स्किन ग्लो करना लग जाए, तो ये रात में लगाना। ये मैंने एलोवेरा, ओरिजिनल एलोवेरा है, उसका जेल निकाल के रख लिया है। इस जेल के अंदर आपने जो है वो ऐड करना है थोड़ा सा हनी, ठीक है। हनी के बाद आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, जो आप इस क्रीम को बनाने के लिए यूज़ करेंगे। कॉर्नफ्लोर सिंपल आपने ये चीज़ें डालनी है, और चाहे तो आप थोड़ी सी पिंच जो है ना वो हल्दी डाल दें इसके अंदर, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होती है और बहुत सारी चीज़ों में जो है हल्दी यूज़ होती है, खाने में भी यूज़ होती है, आपने देखा होगा। ये आप इसको ना बीट करेंगे, और ये ओरिजिनल है इसलिए अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। ये आप अच्छी तरह बीट करने के बाद इसको हफ्ते के लिए फ्रिज में रख दीजिए। ये क्रीम आपकी बन के 1 हफ्ते तक चलेगी। इसको रात को आपने अप्लाई करना है अपने फेस पे, अप्लाई करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। ये मैं अभी जो है, जाहिर है ये जेल जो है ओरिजिनल है, तो इसलिए अभी हल नहीं हो रहा है, लेकिन ये देखें ओवरनाइट लगा रहेगा, ओवरनाइट लगा रहे, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरह की क्रीमी फॉर्म हो जाएगी। इससे आपके रिंकल्स जाएंगे, आपका कलर एनहांस होगा और ग्लो आएगी आपकी स्किन के अंदर। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताती चलूँ, ये जो हमारे नकल्स हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, इसके लिए बेहतरीन ये एक टिप है। आपने हाफ लेमन काटा है, उसके ऊपर आपने शुगर ऐड की, थोड़ी देर इसको सोक होने देते हैं, फिर उसके बाद आपने ये देखिए इस तरह आपने करना है, एल्बोस पे, नीज सब जगह, सब जगह पे, घुटने पे, जहां आपके ये ब्लैक एरियाज हो रहे हैं, आप इस तरह कीजिए, आपका ये स्क्रब हो जाएगा रेडी। स्क्रबिंग करने के बाद आप तकरीबन ये करें 2-3 मिनट तक करें, उसके बाद इसको वाइप आउट कर दीजिए, किसी भी टिश्यू से कर दें, पानी से साफ कर लें, आपका इंशाल्लाह ये साफ हो जाएगा।